हेलो एंड वेलकम टू हमारी आपकी रसोई से। आज हम क्विक एंड इजी रेसिपी की सीरीज में बनाएंगे सबकी फेवरेट अरहर की दाल, पीली दाल या दाल तड़का, कुछ भी कह सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन आधा कप अरहर की दाल ली है। अगर मुट्ठी से नापेंगे तो तकरीबन 4 मुट्ठी अरहर की दाल है। ये मैं तकरीबन 2 लोगों के लिए बनाना जा रही हूँ। इसे हम कम से कम 3 से 4 बार रनिंग वाटर में इस तरह से रगड़ते हुए वॉश कर लेंगे। इसे वॉश करना, अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसमें 1/4 कप पानी डालकर ढककर आधे घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देंगे ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। जितने हमारी दाल सोख हो रही है हम उसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सीधा प्रेशर कुकर लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। मैं यहाँ घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो जो भी ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई। देखिए राई और सरसों तड़क गई है। अब एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 6 लहसुन की कलियां, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गैस आप इस वक्त हाई फ्लेम पे भी रख सकते हैं। अगर गैस आप हाई फ्लेम पे रखते हैं तो उसे लगातार चलाते रहिए। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए प्याज हमारी भुन गई है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर महीन कटे हुए। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, बाकी का नमक हम जब दाल डालेंगे तब उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को 2 से 3 मिनट तक पल्पी होने तक कुक करेंगे। मैंने यहाँ पर टमाटर महीन काट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसकी प्यूरी बना के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रेडीमेड प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट और पल्पी हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही बेसिक मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 हरी मिर्च रफली चॉप्ड। इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। दाल हमारी सोख होके तैयार हो गई है और मसाला भी हमारा तैयार है। अब इस दाल को इस मसाले में डाल देंगे। ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, और इस बात का ध्यान रखेंगे हमने मसाले में भी नमक डाला हुआ था। 1.5 कप पानी, एक बार इसे अच्छे से चला देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक कुक करेंगे। 1 विसल आ गई है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, इसे खोल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दाल गली की नहीं। ये देखिए दाल बिल्कुल गल गई है। ये डिपेंड करता है दाल की वैरायटी पे, कोई दाल बहुत जल्दी गल जाती है और किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसे चेक कर लें। अगर ना गली हो तो फिर 1-2 विसल और लगा सकते हैं। ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, इसे हम थोड़े से पानी में घोल लेंगे ताकि इसके लंप्स ना पड़े। अमचूर पूरी तरह घुल गया है, इसे ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसे मीडियम स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक और कुक होने देंगे। अगर आप इसमें अमचूर पाउडर ना ऐड करना चाहें तो जब दाल तैयार हो जाए तब आप उसमें नींबू मिला सकते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, बस कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, ऊपर से डालने वाला तड़का। आइए उसे भी तैयार कर लेते हैं। एक तड़का पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे ये 1 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा तड़क जाएगा गैस ऑफ कर देंगे। ऐड करेंगे 1/2 पिंच हींग,
और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इस तड़के को डालेंगे दाल के ऊपर, गार्निश करेंगे थोड़ा से हरे धनिए से। इसे आप राइस, चपाती, किसी के साथ भी जो आपको पसंद हो उसे उसके साथ खा सकते हैं। बॉइल्ड राइस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देर किस बात की, आज ही बनाएं अरहर की दाल। कमेंट करके जरूर से बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही नई क्विक एंड इजी रेसिपी के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।